सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपीटीयू 2020 एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि आपको अपने यूपीटीयू के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। जनरली स्टूडेंट कर देते हैं, यहां तक कि मैंने भी जब यूपीटीयू का एग्जाम दिया हुआ था तो कुछ ऐसी गलतियां थी जो कि मैंने कर दी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो अगर आप इन गलतियों को करते हैं ना तो हो सकता है कि आपका यूपीटीयू का एग्जाम बेकार चला जाए। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन सी 6 गलतियां हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपके यूपीटीयू में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। कई कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, आपको हर एक क्वेश्चन करना है। नंबर 2, आपको टाइम रहते ही हर एक क्वेश्चन के आंसर को OMR आंसर शीट में फिलअप भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को कर लिए हैं और उसका एक आंसर लेते आए हैं, उसका एक ऑप्शन चूज कर लिए हैं, लेकिन आपने उसको अभी अपने OMR आंसर शीट में फिलअप नहीं किया हुआ है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी हम रुक जाते हैं, जब आखिर के 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 20 मिनट बचेंगे तब जाके हम जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है उसके जो भी आंसर हैं, उसके जो भी ऑप्शन हैं, उसको हम बाद में OMR आंसर सेट में फिलअप कर लेंगे, ऐसा हमें लगता है उस टाइम पर। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जो वो हर क्वेश्चन वो कर लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर वो टाइम रहते OMR आंसर सेट में फिलअप नहीं कर पाते हैं। आपको लगभग 4 से लेकर 5 सेकंड टाइम लगता है एक आंसर को उसमें फिलअप करने के लिए, उसको सर्कल बनाने के लिए। तो इसलिए आप मतलब टाइम रहते ही जैसे जैसे आप एक काम करिएगा ना सिंपल, कि मान लीजिए कि अगर आप 20 क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, तो आप उसी टाइम पे 20 के 20 क्वेश्चन का जो भी आंसर है, जो भी ऑप्शन है, उसको आप उसी टाइम पे OMR आंसर शीट में भी फिलअप कर लीजिए। नंबर 3, आपको चीटिंग नहीं करनी है। आपको मतलब इधर उधर नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर देख रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं बगल वाले में से देख लें, तो ये सब आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन का देख पाएंगे, तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा। जब तक जितने तरीके से आप मतलब देखेंगे, जितना टाइम लगा के आप चीटिंग करेंगे, बगल वाले का देखेंगे, उससे बेहतर है कि आप 2 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर मतलब खुद से नहीं लगा पाएंगे तो कम से कम मतलब जो आप टुक्का मारने वाले हैं उसको सही तरीके से मार ले जाएंगे उतने टाइम में। तो इसलिए आपको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको चीटिंग करने में आपका टाइम लगता है और आप सफल भी नहीं हो पाते हैं। ये तो हुआ नंबर 3। उसके बाद नंबर 4, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुँचना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं। आपका जो भी वहाँ पर प्रोसेस होता है, चेकिंग होती है, या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी होता है, आपको अपने क्लासरूम तक जाने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप पहले पहुँचेंगे, पहले एग्जाम सेंटर में, एग्जाम कैंपस में घुसेंगे, उसके बाद पहले एग्जाम सेंटर पर अपना सीट पाएंगे, बैठेंगे, आप स्टेबल होंगे, आपका माइंड शांत होगा। तो इसलिए आप पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा। उसके बाद नंबर 5, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से चेक करके ले जाना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में या फिर वैसे भी आप मतलब कोई अपना डॉक्यूमेंट छोड़ दिए हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगने हैं आपके एग्जाम में, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, आपको हर एक डॉक्यूमेंट को लेकर अपने साथ में जाना है और उसको प्रॉपर तरीके से चेक करके जाना है कि कोई आपका छूट तो नहीं रहा है या फिर कोई एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया है। आपको उतने ही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, तो आप ये सभी चीज़ें लेके जा सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6, आपको एक क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं ना, आपको गलती से भी एक क्वेश्चन का 2 आंसर उसमें फिलअप नहीं करना है। अगर आप एक क्वेश्चन का 2 आंसर फिलअप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब भी मशीन चेक करेगी उसको ना, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देगी, क्योंकि ऐसा रूल होता है कि अगर आप मतलब एक क्वेश्चन है, अगर आप उस पर कुछ भी नहीं किए हैं, मतलब कोई भी उस पर सर्कल नहीं किए हुए हैं उसको, और अगर आप एक से ज़्यादा किए हुए हैं उसको, दोनों टाइप के क्वेश्चन को मशीन जो होता है वो स्किप कर देता है, उसको चेक नहीं करता है।